हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस अभी क्या हो, मेरे बाइक की चाबी गुम है, तो मुझे वसीम भाई लेने आए घर, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी गांव वाले हैं। गाइस अभी भी तेल क्या, मैं समझ में नहीं आ रही। तो कल जो कांड हुआ था, तो आज वो नहीं होगा। अब तो वसीम भाई आज तो बोले मामला, और बाइक भी चेंज है, आज तो बाइक भी चेंज है। तो हम तीनों इसी नोना में बैठेंगे और उड़ के जाते हैं अभी अकेडमी। तो कल फिटनेस नींद कैसी आई वसीम भाई कल? हम 2 बजे अकेडमी जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे, बाइक मेरे पास भी नहीं थी और वसीम भाई की बाइक लेट आती है। तो जाएंगे अकेडमी, अकेडमी जाके दिखाएंगे आप क्या करेंगे आज सारे। चलो चलते हैं अकेडमी में। अभी यहाँ पर वीर शौर्य क्रिकेट अकेडमी वसीम भाई हमारे साथ में, जिनको अक्सर आप देखते हैं, बहुत ही बुजुर्ग प्लेयर है। और अब इनके बाल भी आप देख रहे हैं साइड से वाइट हो चुके हैं। वाइट तो बच्चों के हो जाए, इसके भी हो रहे वाइट, इसके भी हो रहे वाइट है। और मैं बिल्कुल ही बच्चा नहीं हूँ, अच्छे खासी मेरी एज है, एक बाल वाइट दिख रहा है। 5-6 महीने का बच्चा अभी पैदा हुआ है गाइस, ये गाइस अभी पैदा हुआ है। नहीं मैं पैदा नहीं हुआ, मेरी एज जो है गाइस 25 ईयर हो चुकी है। तो अभी ये कागजों में इतनी तो 30-40 साल का हो रहा ऑन पेपर गाइस, 25 एंड 40 से कम, 8 कम कर दो, 32 साल कम से कम है गाइस। और ये भाई साहब 35 साल के, तो मैं 25 का हूँ, बट अगर मेरी बात रियल एज की जाए तो मैं 35 का हो चुका हूँ, 10 साल मैंने कम कराई है। वसीम भाई जो है ऑन पेपर 34 साल के हो रहे हैं, अगर इनकी बात करें वही वाली डेट समझ रहे ना, 50 साल हो गई है। तो इन्होंने आधी सेंचुरी पूरी कर दी वसीम भाई ने अपना, तो नॉर्मल सी बात है गाइस। अब आ गए एकेडमी, अभी अभी पहुंचे हैं, ये है हमारी बाइक। तो आज सीन क्या है, अभी तो ज्यादा धूप हो रही है, अभी तो ज्यादा धूप हो रही है। तो ये तो आपने देखा था इसका व्लॉग, तो जिसका आपने व्लॉग भी देखा था विकेट, ये भी टाइम लग रहा है इसमें, 2 परत तो डल चुकी है मिट्टी की, पर ऊपर घास आएगा उसके बाद ये तैयार होगा। आपको दिखा दूं पास से इसको, इसमें जब ऊपर इसके घास आएगा ना, ये देखिए अभी तो 2 परत डली है, ऊंचा हो गया है नीचे वाली जो धरती है उससे ऊपर विकेट होना चाहिए ना, तो ये ऊपर ही है, बाकी रोलिंग हो गया थोड़ा और नीचे हो जाएगा। मैच तो शुरू होने में गाइस अभी टाइम लग रहा है इसमें, मैच इसमें शुरू होने में भी टाइम लगेगा, कम से कम मान सकते हो अभी 1 महीना और लग जाएगा, क्योंकि अभी रेनी सीजन वैसे हर जगह विकेट कूद जाते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर पहले कोरोना वायरस का जब टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम ही कूद गया था, पर अभी ठीक है, दिखाऊंगा आपको जब भी तैयार हो जाएगा, कैसे तैयार होगा अभी आपने देखा, उसके बाद भी दिखाऊंगा कि कब तैयार होगा। बैठे हैं 2 बच्चे, नमस्कार जैन, इधर अपना बैठे हैं। धूप भी तो बहुत तकड़ी हो रही है, तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है लक्की सुअर, इनका आपको दिखा दूं फेस। लक्की से आए तो लक्की देखिए, पूरी एक्टिंग इनके अंदर, पूरी एक्टिंग करके दिखाता है, भूत लक्की भूत बन, लक्की पब्लिक को आए तो बोल दे कैसे। गाइस अभी थोड़ी थोड़ी बैटिंग की नेट में, अभी थोड़ा बाहर बैठा हूँ, अभी सोई था है, 4 बज रहे हैं। और इधर आ रहे चाचा अपने, चाचा लेट आए हैं आज 4 बजे। चाचा लेट क्यों हो गया भाई, लेट क्यों हुआ भाई आज? मैं तो हमेशा ही लेट हो गया था। तो भाई चाचा 4 बजे आए हैं, तो मैंने थोड़ी बैटिंग की इससे पहले, बाकी तो अभी एक शूट भी करना है, वो चाचा करेंगे। चाचा एक शूट भी करना है अभी कर देंगे जो रिला नहीं आएगा है? तो गाइस ये ना, ये टांग से खोल के जब भी आएगा अकेडमी में, ऐसे टांग से खोल के, ये इसका मतलब वो है सिस्टम, ये पक्का यही करेगा। तो जैसा कल का चैलेंज का कैसा रहा फिर, वो डल गया, अपलोड हो गया, वो आज डल जाएगा, मतलब आज देख लेंगे, मतलब ये वीडियो कल आएगा तो आज वो देख लेंगे ऑडियंस, आपकी जो हार हुई ना वो कल। तो आप क्या कहना चाहोगे हार के बारे में, थोड़ा बता दो, ऑडियंस पूछना चाह रही है ऑडियंस। गाइस मैं हारा था अपनी गलतियों से, कल मैं अच्छा नहीं कर पाया, और ये दोनों अच्छा खेले, आज खेल लेगा कि तो अपने चैनल के लिए मेरे साथ सिंगल विकेट खेल लिया। हाँ आज आज खेल टेस्ट है। तो गाइस हमारी अभी प्रैक्टिस मेरी तो अभी ऑफ हो गई है, दोनों कर रहे हैं। तो अली कैसी रहा आज, कैसा सेशन है आज? तो तगड़ा सेशन हुआ यार, वो दे दिया तो मुझे अपनी मेडल लक्की में दे दिया, मुझे काट कूट किस तरह, चलो मैं ले लूँगा, मैं कर लूँगा।
तो ये देखिए कौन है ये शख्स। मैंने कहा रोटी पकाओ, बोली माँ जितावा, करे हम किस गिला, करे हम किस। तो ये देखिए अख्तर जी सुन रहे थे, ये तो जुगा तो ऐसे ही लग रहते हैं ना, सुनो। गाइज अभी जा रहे हैं नेट के अंदर, थोड़ा लास्ट सेशन है अपना। अब क्या करेंगे, सिक्स सीटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ये भी हमारे पास टेंस की बॉल, इससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और साथ में अख्तर जी हैं, दोनों करेंगे 30-30 बॉल है और छक्के मारेंगे उड़ा के नेट के अंदर। तो दिखाऊंगा थोड़े से भी कैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी इसके बाद चलेंगे घर। अभी तो टाइम है, बाकी मिलते हैं। अभी देखो आप कैसे उड़ाएंगे छक्के और कौन मारता है, नेट के अंदर ही लगेंगे। गाइस बॉल बाहर चली गई है और हमारे पास अभी एक ही बॉल थी, तो मैंने 10 बॉल के लिए अब अख्तर जी को दूसरी बॉल से खिलानी पड़ेगी। पर आज बॉल ही कोई नहीं, लेदर से करते हैं, अली की बॉल उठाएंगे। हट यार, मार गई है तो इसी बॉल से हमें पूरा करना पड़ेगा। 15 बॉल मैंने डाली है तो 15 डालूंगा अख्तर जी को। पर अभी देखिए गाइस एक चीज दिखाता हूँ आपको, जो नेट ये क्या हो सकता है, इसका नाम बताओ, तगड़ी चीज है गाइस ये तो। कहाँ तक जाएगा ये अख्तर जी, कहाँ तक जाएगा, कहाँ होगा इसका घर, देखने में अख्तर जी खिलाऊंगा मैं। तो गाइज अभी अख्तर जी को डाल दिया बॉल हमने, उसके बाद भी फिर 15-15 बॉल का सेट खेला एक और। तो बच्चे कर रहे हैं डिलीवर, विशाल ने भैया पोंडिचेरी के खिलाफ छक्का मार दिया अभी, विशाल ने भैया सॉरी विशाल भैया, इतने साहिल ने भैया। तो साहिल गाइस आपको बता दो, साहिल से इंट्रोड्यूस करा दो, डिटेल कर रहे थे पर थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं इनका। साहिल खुद ही, नहीं डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, साहिल खुद ही इमेजिन, नो डिस्टर्बेंस, साहिल खुद ही इमेजिन करता है कभी पोंडिचेरी के खिलाफ कभी एमपी के खिलाफ खुद ही मारता है, मतलब स्टेट में जो मैच होते हैं। तो अच्छी बात है अभी, बाकी डिटेल कर रहे हैं ये हर्ष यमन कटारिया राहुल जी के लड़के, उधर नया लड़का, इधर सोबी सीन, इधर जीव, जो इसका जो कमेंट्री फेमस हो रही है कहाँ तक बचोगे, यही है वो जीव। और ये है अपने वसीम भाई उर्फ भालू, ये है वो, इनका नाम भालू फेमस है क्योंकि अल्लाह भी मेरी जान ये गुलाब का फूल वसीम भाई को गाइस ये कोच है, इतने सज्जन कोच है, देख लो कैसे। आई लव यू भाई साहब, कोचिंग का टाइम खत्म हो चुका है, अब एंजॉयमेंट करना है। क्या हाल है, इनकी अच्छी बात है गाइस, क्या कर रहे हैं ये, प्रैक्टिस टाइम पे फुल सीरियस और जोली टाइम पे फुल कागज। गाइस इसके मुझे जोली एलएलबी बना दो, इसको जोली एलएलबी 2 लिखियो तो बता दे। तो गाइस जब अली चाचा जब बात करते हैं ना, तो ये जब बात अपनी करनी शुरू करते हैं तो उनकी बात खत्म नहीं हो पाती, पता क्या करते हैं, आने कदम खत्म, बात खत्म और बात का पता नहीं चलता। चाचा ने कुछ करा भी पता नहीं, आया नहीं है ये तो स्टैंड के बाहर गए बॉल और इसको पूछाइए स्टैंड के बाहर। गाइस अलग ही जाब, अलग ही जाब, गाइस अलग ही जाब, गाइस साहब कमेंट करके बताएं वसीम हुसैन इनका नाम क्या है, साहिल जी फर्जी साहिल जी, जी हाँ कौन सी लाइन से कैच पकड़ोगे, कौन सी लाइन से पकड़ोगे, कहाँ से पकड़ोगे, मुंह से पकड़ लिया जीब ने कैच, मुंह से पकड़ लिया गाइस, ये पकड़ ले जीब, ये पकड़ ले गाइस, ये इधर, ये जो साहिल इनका नाम साहिल गॉड है, यानी कि ये गॉड है, गॉड बिरादरी से हैं, लेकिन मैंने इनको नाम दिया है जीब, जीब नाम दिया ना जो है वो इन वसीम भाई का, बता दो इसके फाउंडर वसीम भाई हैं। और ये इनका नाम पूरे रुड़की पूरे इंस्टा पूरे जो भी खेल से रिलेटेड पूरे इंस्टा, इसका एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। कहाँ मारेंगे आप, कहाँ तक बचेंगे, कहाँ तक बचेंगे,
विशाल चौथ क्रिकेट विद विशाल में आपने चैलेंजिंग मैच में देखा होगा कहाँ तक, तक बचेंगे तो यही थे वो जीव, यही थे वो जीव कैमरे के पीछे, एक डाई वाई मार के ले जब लूंगा। ओ माय गॉड जीव यार विशाल, इनकी दाढ़ी पे न जाइए, ये सिर्फ 13 साल का मुन्नू है। इनकी उम्र कितनी होगी सिंबा की बता दे गाइस को। 13 साल, 13 साल के हैं। जस्ट चिल 13 साल के, आप कमेंट करके बताएं कि मैं कितने ईयर बताओ गाइस। हां सही बता दो, अभी पता लग जाएगा। पूरी बात तो सुनो, जिनकी मैं उम्र बता रहा हूँ गाइस, ये गांधी जी के टाइम के साथ भी उनके फोटो आया था। इनका नाम है चाचा, अब आप इनकी एज समझ सकते हैं। आज से 15 साल पहले भी 16 थे, खुद बता रहा, आज भी 16 है गाइस। मैं कुल ऐसा इतना साल का देख लो, अंदाजा खुद लगा लियो, जो 100 का नोट था ना पिछले, पहले 500 का नोट था, तो जो लास्ट में छोटा सा 1000 आना गांधी जी के पीछे, वो मैं हूँ। और ये कौन है? और गाइस गाइस बीच में एक आदमी ने बोरी ले रखी, तो वो जो बोरी में पटे हुए है इधर जी देख रहे हैं गाइस, बोरी बोरी हुई नहीं ले रखी, पूरी मार गिरी पहले बोरी में। ये तो चल रहा है हम लोग का गाइस, जब अजबरा हो गए थे करें और लाइक करें, दो रिक्वेस्ट ही तो है भाई, रिक्वेस्ट। अरे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कुछ नहीं, अच्छा लगा तो खुद अजबरे हो गए, तो ये कंधे पे गिर के ले जाया गया। तो गाइस अब आप अंदाजा लगा लो उम्र की, यही मान लो 70-80 साल की। क्या हाल है भाई साहब, ऐसा लग रहा होगा गाइस जैसे गोल गोल रोटी थी बड़ी बड़ी वाली। और उमेश भाई इधर आते हुए, और अपने उमेश भाई पीछे हैं। उमेश भाई दोस्तों को आए बोल दो। तो ये अपने उमेश भाई हैं, और ये जीव का देखो क्या मार पड़ रही है इधर। जीव मुझे और पढ़वा, और पढ़ उल्टा पढ़ा भी उठा कुछ भी कर सकते जी भाई, कहाँ तक बचोगे जीव, कहाँ तक? बिल्कुल जी हाँ, प्यार के बटन ना मारो। देखो गाइस गलत बात है, बहुत तेज लगी। और गाइस अब एक चुम्मा दिखाओ लास्ट में जाते जाते तुम्हें, सो ये देखे गाइस, ये देखे जी भाई, ये देखिए जॉनी जॉनी सेंस, ये देखिए गाइस, ओ भाई जो देखो देखियो, अब जाके देखियो बस वो लोग पीछे उधर उधर इधर ना ना ये ना ले जो भी देखो ये मार देंगे। तो क्या करा जू मेरे फिर आज प्रैक्टिस में भैया, टेनिस मैच खेल रहा भैया, टूर्नामेंट चल रही है। तो कितने रन बनाए अरुष गोल बैठा था हमने भैया, मैंने 20 मैन ऑफ द मैच है भैया। कौन अरुष? हां अच्छा जी, मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज हुआ है नबी भैया, उसने कल ही कमाल का मैच जीता है, नबी ने कल भी अच्छा खेला, आज भी झूठ क्या है भैया भैया भैया, ऐसे खेलते हैं कि अब देख स्कोर शीट में चौके छक्के चौथी बॉल पर आउट हो गया, लास्ट में गया था मैं तो चौके छक्के रन रिकॉर्डेड में नहीं। तो उधर आशीष जी बैठे हैं, आशीष ने रन नहीं बनाए गाइस, मैंने 3 विकेट्स लिए हैं और 20 रन्स। ओह अगर मैच खेला भाई, तो आज कितने मैच हुए भैया? 3 मैच हुए, फाइनल फाइनल हम जीत गए भैया, भैया मैंने ने थोड़ा बोला क्योंकि जुबेर आज पुली पुल खेल रहे थे, पुल पुल भी खेल रहे भैया। हाँ मैंने देखी, मैं तो इधर था जब मिस्टम लेना आया, उस टाइम की बात है ना। हाँ, तो पुल पुल के खेल रहा था भैया, जब भैया सारी बॉल यहीं पे आ रही है तो उसका सही मारना, अगर तेरे बॉल यहाँ पे आ रही तो वेट करके मारना, मुंह पे क्यों लग रही फिर वो? भैया 2 लगी थी बस, फिर उसके बाद भैया छक्का चौका भैया दोनों, अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो वेट कर सकता है, बॉल का बॉल स्लो आ रही है, एनीवन रह रहे एडजस्ट करके मार, जब देख तो छोड़ दे नीचे बैंड हो जा, मतलब डक कर दे बॉल, विकेट पे लग जाती ना ऐसा आ रही ना वो भैया, तो फिर वेट करना, अगर स्लो आ रही बॉल का वेट करके मार भैया, गांव से खेलते हैं कोई नहीं हो जाता है कभी कभी, पर सारी बॉल लपेटने नहीं देखना है। तो क्या गलती हो रही थी तेरे से भैया? बस थोड़ा लेग में लगा भैया, ड्राइव नहीं खेल पाया जितने भैया। तो यार ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, हर मैच में रन होने चाहिए तेरे भैया, मैं तो 2 मैच में आया हूं, पहले मैं 25 थे और अब जैसे गांव से गांव में बॉल उठती नहीं तो उस पे किस तरह खेल लेते हैं अभी गांव में खेल देते हैं भैया, घास में तो टेनिस की और अच्छी उड़ती है भैया, घास में ज्यादा उड़ जाती है वही तो दिक्कत देता है ना फिर, घास में बॉल कभी कभी ज्यादा उड़ जाती है वो दिक्कत करती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई नहीं गाइस, आज ने जुबेर ने रन थोड़े कम करे तो सर ने इसको थोड़ा सर ने थोड़ा डांटा इसको, जीत गए वैसे पर सर ने थोड़ा डांट दिया इसको क्योंकि हमने 2 सीरीज जीती लेकिन हम फाइनल में हार गए आज। कोई नहीं, तो सर ने डांटा कैसा लगा फिर भैया? सर का डांटना भी भैया एक वही है भैया, वो भी कुछ सिखाते हैं भैया हमें, वो तो अच्छी बात है, जितना डांटेंगे उतना पता लगेगा ना, आज कुछ सीख के जाएगा तो आज। और
नबील ने कर लिया 21 रन चाह रहे थे, अकेले ने जिताया। अच्छा जी, जिसमें जिसका हाँ, और तमीम की बॉल पे सिक्स मारा उसने कल। तो कल नबील से मिलाता हूँ मैं आपको, नबील लड़का है, अच्छी बैटिंग करता है, कल उससे मिलाता हूँ। अभी आज जुबेर और आशीष लास्ट में जाते हैं मिलने। तो अब करते हैं गाइस ब्लॉग का एंड कर दे, कल मिलते हैं फिर नबील के साथ। हम कल मिलते हैं नबील के साथ, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं, ठीक है, बाय कर दें, बाय बाय गाइस।